नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से। कुछ टेक्निकल कारण के कारण वीडियो पहले बीच में रुक गया था, तो ये पार्ट भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है एम जी राणा डे। आपके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किए दलितों के लिए। ये कंसाइन की बात करते हैं, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं जो एवरी वन पोजेस करता है। कंसाइन इज द ग्रेटर वर्ल्ड ऑफ गॉड विद इन अस टिल वी एजुकेट आवर कंसाइन। नथिंग सब्सटेंशियल कैन हैपन फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज। अकॉर्डिंग टू हिम मोरालिटी वॉज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसके बाद जो वो ही एग्जामिन वेरियस हिंदू टेक्स्ट कंक्लूडेड नीदर अर्ली मैरिज हैज बीन प्रिस्क्राइब नॉट द विडो री मैरिज इज प्रोहिबिटेड। उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, वुमेन अपलिफ्टमेंट की भी बात कर रहे हैं। आ जाओ, छोटा सा है स्वामी दयानंद सरस्वती। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डिवाइन लॉ एंड एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ गॉड। अकॉर्डिंग टू हिम वेन ए कंपेरिजन हैज मेड बिटवीन लॉ स्टेट एंड डिवाइन वन शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिवाइन लॉ। ये डिवाइन लॉ की बहुत ज़्यादा धार्मिक आदमी थे। ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पनिशिंग द क्रिमिनल्स थ्रू हीज पर्सनल दो देर आर न्यूमरस ओकेजन वे ही फॉरगेव वेरियस सीन्स ऑफ इंडिविजुअल। वही यही बात है ना, एटीट्यूड और परसेप्शन में मैंने जो बताया हुआ था। एटीट्यूड आपका कुछ और रहता है, परसेप्शन जब आपके इंडिविजुअली फेस टू फेस मिलते हो तो आपकी चेंज हो जाती है। ही टॉक अबाउट बिलीव इन मोरल एलिवेशन ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ इंटायर ह्यूमन सोसाइटी। सत्याज प्रकाश की बात करते हैं। ये शुद्धि मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे, जहाँ पे कन्वर्जन इन्होंने किया है मुस्लिम्स का, मुस्लिम्स नहीं बोलूँगा मैं, बाकी रिलीजन्स का हिंदुज़म में। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर है, लेकिन ये बैक टू वेदाज की नारा दिया हुआ है। वो बोलते हैं कि वेदाज आर द प्योरेस्ट इंफॉर्मेशन डैट वी हैव ओवर देयर। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वेदाज की तरफ वापस जाओ। इस तरह से जो आज का जो है ये लेक्चर यहीं पे थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ। एक सेकेंड, इसको ये रब नहीं हो रहा है, हो गया। तो अब देखिए, ये बहुत ही कम है, लेकिन सोर्सेज कहाँ कहाँ से आप उठा सकते हो। वेस्टर्न थिंकर्स के लिए यदि आप देखोगे तो एक माइकल सैडलर का वीडियो है। माइकल सैडलर है शायद, ये हॉवर्ड के प्रोफेसर हैं, और इनका वीडियो आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा। 10 या 12 घंटे का लेक्चर है, जिसमें वो जेएस मिल से लेके सबकी बात करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। यदि अभी आप मेंस नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर देखिए, काफ़ी एनलाइटनिंग वीडियो है ये। ठीक है, दूसरा सोर्स जो हमने पिछली बार स्लीपी में आपको किया हुआ था, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर पे, गांधी जी पे और बी आर अम्बेडकर पे काफ़ी अच्छे से डील किया हुआ है, तो आप उसको देखेंगे। ठीक है, तीसरा सोर्स आपको कहीं से कहीं बाकी जगह से जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, जैसे लेक्सिकन वगैरह, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। लेक्सिकन, अरिहंत, जहाँ से भी चाहोगे आपको वो वहाँ से मिल जाएगा। देख लो, पूरा थ्योरी है, मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने। मेरे को ज़्यादा मज़ा क्या, ड्यूटी है मेरी तो मेरे को करना ही है, मज़े के लिए इंसान थोड़ी करता है। तो बट कुछ ज़्यादा है नहीं, यदि है तो फिर वो पॉल साइंस में आता है। यदि आप मेरे से पॉल साइंस पढ़ना है तो जैसे अब जैसे हॉब्स हैं, इनके ऊपर ही 3 घंटे का लेक्चर चलता है, बट उतना जान के आप करोगे क्या, उतनी आपकी यूटिलिटी भी नहीं है। तो उस हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा, और प्लस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस 10 नंबर का। यदि आप मेंस दे रहे हो इस बार, तब तो भूल जाओ इसको, आराम से मेंस दो, अपने ऊपर विश्वास रखो, और जो आपको लगे उस समय कोर्ट, जो आपको दिमाग में खन के एक स्ट्रक्चर के साथ आप उसको अटेम्प्ट कर दो। बाकी टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें मैं आपको ऐसे ही कोर्स दूंगा जो आपने सुने नहीं होंगे, 2 टेस्ट सीरीज़ हैं। ठीक है, तभी भी उसके अलावा भी यदि आपको नहीं है तो ये मेरा नंबर मैंने लास्ट दिया था 9878938343, इस पर आप मेरे को कॉल या मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपका नंबर, आपके जो भी आंसर होंगे, ये मेरा व्हाट्सएप भी है, इस पर आप अपने आंसर्स भी मेरे को भेज दें। एथिक्स में और कुछ नहीं, आंसर्स लिखिए और अब चेक कराते रहिए। 20 आपका मैंने सब लगभग कवर कर दिया है, इतना ही यदि आप याद रखेंगे तो आपका अच्छे नंबर आएंगे, गारंटी के साथ अच्छे नंबर आएंगे। तो इसके साथ ये वाला जो एथिक्स का मॉड्यूल है यहीं पे ख़त्म होता है, और अब इसमें कुछ नहीं है। कुछ सवाल जो हैं वो आपको टेस्ट सीरीज में आ जाएंगे, उसके अलावा 1-2 लेक्चर और जो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा वो या तो यूट्यूब पे होगा या इस पे होगा, वो हम लोग देख लेंगे। और एक शायद ऑफलाइन क्लासेस की अभी बात कर रहे हैं, ऑफलाइन मीटिंग वगैरह
जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनके साथ आंसर्स वगैरह कैसे लिखा जाए, उनके साथ ऑफलाइन मीटिंग करने की प्लान कर रहे हैं। वो आप एडमिन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि कब करना है, नहीं करना है, कैसे। वो एडमिन के साथ आप आपको अनाउंस भी कर देंगे और एडमिन के साथ भी आप कर सकते हैं। इस हिसाब से चलिए फिर खुश रहिए, पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, और हो तो मेरे को आंसर्स वगैरह भेजिए, मैं बेहिचक आपको चेक करके आपको बता दूँगा। धन्यवाद।